हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। आज मैं आपके सामने एक नए ट्रेनिंग लेकर आया हूं, जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL में। ये ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ट्रेनिंग के लिए आई है। इसकी टोटल सीट जो है 290 है और जिसका लास्ट डेट अभी दिसंबर 12 को है। ठीक है, तो आगे डिटेल्स जानने के लिए इसमें बने रहें और चैनल को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रेड अप्रेंटिस है खिदरी कॉपर कॉम्प्लेक्स में, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की है, माइंस की है। और इसमें देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स जो है, ये मेट के लिए है। टोटल सीट जो है 60 है, इसमें अनरिजर्व 24 है, SC 10 है, ST 10 है और OBC 12 है, EWS जो है 6 है। टोटल 60 पोस्ट के लिए है। ब्लास्टर के लिए है, जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन 2 साल की है और टोटल वैकेंसी 10 है, जिसमें अनरिजर्व सीट 37 है, SC सीट 18 है, ST सीट जो है 15 है, OBC सीट 20 है और EWS सीट जो है 10 है। टोटल 100 सीट है। सर्वेयर के लिए, जिसकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है 1 साल है और नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 5 है, जिसमें अनरिजर्व 3 है, SC 1 है और OBC 1 है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल ये नॉन माइनिंग के लिए भी इसमें ट्रेनिंग आई है। बाकी 1 से लेके 10 तक डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए टोटल ये ट्रेनिंग आई है। क्वालिफिकेशन जो है, ये मेट के लिए जो है 10th पास होना चाहिए, ब्लास्टर मेट के लिए 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, सर्वेयर के लिए 10th या 12th मैट्रिक होना चाहिए, प्लस ITI जो है रिकॉग्नाइज्ड NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग में ITI पास होना चाहिए। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप इंडिया .org में आप रजिस्टर कर लें और रजिस्टर करने के बाद इसका जो यूनिक नंबर जनरेट होगा, वो आपको जो आप फॉर्म भरेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उसमें आपको ये एंट्री करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का copper.com के वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे करियर पेज में आप जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए ऑप्शन आएगा। अप्लाई ऑनलाइन में आप रजिस्टर कर दें और उसमें फुलफिल कर दें। तो इसमें सबसे बड़े ध्यान देने वाली बात है कि एक आदमी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कर सकता है और दूसरा एप्लीकेशन इसमें से नहीं लेगा। ठीक, तो इसका लास्ट डेट हम लोग देखते हैं। इसका जो स्टार्टिंग जो है, ये 22 तारीख से स्टार्ट हो गया, 22 नवंबर से स्टार्ट हो गई है और इसका लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2022। इसका कट ऑफ एज के लिए कट ऑफ जो है वो 1 नवंबर 2022 तक है और इसका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है 31 दिसंबर को जनरेट होगी। थैंक यू दोस्तों, आगे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, थैंक यू।